जितने एनआरओ मौजूदा वजीर आजम ने दिए किसी ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन बीआरटी आटा चीनी चोरों के बाद अब भारतीय जासूस को एनआरओ दिया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने किसी बयान में दहशत गर्दों की मुखालफत नहीं की। भारतीय पायलट को चाय पिलाई और वापस भेज दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, नैब का इदारा गैर आइनी बन चुका है, हुकूमत और अपोजिशन का एहतसाब करने के लिए नए इदारे की जरूरत है। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबे को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, मिलिट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशत गर्दों को का मुखालफत तक नहीं की, मजामत तक नहीं की, जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आइनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें।